वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 135 पे. ओके क्वेश्चन नंबर 1 इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ टेक्स्ट बुक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन को रीड करो. सबसे पहले जब रीड करोगे तो देखो वहां पे क्या दिया हुआ है. बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. तो अंडरलाइन करना है इक्वली. देन बैलेंस शीट दी हुई है और उसके बाद वाला सेंटेंस देखो क्या बोला है. ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा जॉइंस द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर. तो उसे 1/5 शेयर मिलेगा. तो अपर्णा को अंडरलाइन करो, 1/5 को अंडरलाइन करो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दिस. लेकिन जब उसे एडमिट करें तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी है कि भाई अपर्णा जब तुम फर्म में आओगे सो दिस थिंग्स यू आर सपोज टू डू. तो पहला है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख. गुडविल का वैल्यूएशन 2 लाख है. एंड अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो देखो अब गुडविल का शेयर कितना है यहाँ पे 2 लाख रुपीज का गुडविल का शेयर है पूरे फर्म का. तो इसका 1/5 ही अपर्णा लेकर आएगी बिकॉज हमने ऊपर अंडरलाइन किया है 1/5 है ना. सो 1/5 ऑफ 2 लाख विल बी हाउ मच. शी विल ब्रिंग 40,000 एज अ गुडविल. और किस फॉर्म में लेकर आ रही है वो कैश है ना. सेंटेंस को ध्यान से लिख करोगे. नेक्स्ट अपर्णा टू ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल. Then a provision. तो देखो अपर्णा को बिजनेस को लेने के पहले कुछ प्रोविजन रखे हुए हैं. And this provision is what? They are saying 10% to be created on sundry debtors. Tick adjustment on sundry debtors. Then land and building. Tick करोगे मतलब asset में tick करना है आपको. देखो land and building है value 80. तो go and land and building के ऊपर भी tick करो. Then stock of plant and machinery to be reduced by 20%. तो stock and plant and machinery इसके ऊपर भी adjustment मैंने tick कर दी. तो स्टॉक के बीच में वो कॉमा होना चाहिए. स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 20%. तो जब नया फॉर्म नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है सो वी आर सपोज टू कीप इन माइंड कि कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे ही होंगे. क्यों एडजस्टमेंट्स होंगे? बिकॉज जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो हमारे बिजनेस में एंटर कर रहा है. तो हमारे जो प्रीवियस जो भी प्रॉफिट या लॉसेस है उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है. तो सब कुछ शुरुआत न्यू होगी. ओके अब क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा है ड्राफ्ट दी जर्नल एंट्रीज. एग्जाम में सबसे पहले लास्ट वाली लाइन ही रीड करो कि क्या बनाने के लिए बोला है. तो क्या बोला यहाँ पे जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव अरेंजमेंट एंड गिव दी ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. हमें इसका ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है. ओके तो सबसे पहले आप लोग क्या बनाओगे यहाँ पे जर्नल एंट्रीज के लिए लिखोगे इन द बुक्स ऑफ कौन से पुराने जो पार्टनर्स है उनके इसमें इन द बुक्स ऑफ व्हाट इज द नेम ऑफ अ पार्टनर सुजाता पूर्णिमा एंड जो नई पार्टनर है क्या है उसका नाम अपर्णा. क्योंकि मैं यहां पे तीसरी का भी नाम इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट जर्नल एंट्रीज आफ्टर एडमिशन. एडमिशन होने के बाद जर्नल एंट्री लिख रहे हैं. तो सबसे पहला काम आपका क्या है गो टू दी बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट में देखो जनरल रिजर्व वगैरह कुछ दिया है क्या लायबिलिटी साइड में. इज इट गिवन? इट्स नॉट गिवन. आप बोल सकते हो हाँ या नहीं. चल रहा सो जनरल रिजर्व इज नॉट गिवन. सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट गिवन. तो हमारा काम उधर ही खत्म हो गया. नाउ कम टू द फर्स्ट एडजस्टमेंट. और अपर्णा ने क्या काम किया वो तो देखो वहां पे. सो अपर्णा क्या कर रही है वहां पे गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. तो अपर्णा कितना लेकर आएगी 40,000 अपना गुडविल लेकर आएगी. तो क्या लिया फॉर्म में आपने. सो जर्नल एंट्रीज का कॉलम तुम्हें मालूम है रेट पर्टिकुलर्स अमाउंट विच इज गोइंग टू बी डेबिटेड एंड अमाउंट विच इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड. सो डेट हम लोग कब के लिए कर रहे हैं 2018 April 1st वही दिया हुआ है और हम लोग April 1st लिख रहे हैं. ठीक है यू आर नॉट गोइंग टू राइट 31st March बिकॉज हम लोग न्यू बुक बना रहे हैं. सो April 1st से स्टार्ट होगा. साल खत्म हो गया 31st March को. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट कैश लेकर आई है वो कितना लेकर आई है 40,000 का. सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्या कर रही है क्या नाम है उसका अपर्णा. अपर्णा लेकिन अपर्णा क्या लेकर आ रही है यहाँ पे गुडविल लेकर आ रही है. सो मैं इसको लिखूंगा गुडविल समझाने के लिए है सिर्फ. सो हाउ मच गुडविल शी इज ब्रिंग.
शी इज ब्रिंगिंग 40,000 का गुडविल वो लेकर आ रही है. एनी डाउट्स? और यहां पे नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल बॉट, इजंट इट? डन. पहला एडजस्टमेंट का काम हो गया. तो जब भी आप जर्नल एंट्रीज करोगे, ऑलवेज यू आर सपोज टू स्टार्ट विद एडजस्टमेंट. हमेशा एडजस्टमेंट से ही स्टार्ट करोगे, लेकिन उसके पहले देखना है आपको लायबिलिटी में जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, या एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है. तो उसको अपने को ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा. तो एडजस्टमेंट में सर पहला एडजस्टमेंट गुडविल का ही था. व्हाट इज द सेकंड एडजस्टमेंट? सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोला? तो सेकंड एडजस्टमेंट दे आर सेइंग अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 lakh एज अ कैपिटल. तो अगेन शी इज ब्रिंगिंग अ कैपिटल. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू अपर्णा, बट इस समय आप क्या लिखोगे इसका नाम? कैपिटल लेकर आ रही है वो. कितने का कैपिटल लेकर आ रही है? 1 lakh का कैपिटल लेकर आ रही है. तो क्या लिया क्या दिया वो याद रखो. फर्म ने क्या लिया? कैश लिया. फर्म ने कैश लिया और उसे दे दिया भाई तू कैपिटल होगी, मतलब तू पार्टनर होगी फर्म की. सो ये दोनों चीजें आ गई. नाउ सी द थर्ड एडजस्टमेंट. अ प्रोविजन ऑफ 10% टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स. तो डेटर्स कितने देखो अपने पास? अच्छा क्लास, एक थोड़ा सा बात यहाँ पे. जो गुडविल है, ये 40,000 का गुडविल है, इसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा पुराने पार्टनर्स को. तो पुराने पार्टनर्स इस गुडविल को अपने पास ले लेंगे. अब क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उन्होंने विड्रॉ किया है या 50% विड्रॉ किया है. सो वी आर सपोज टू कीप दैट गुडविल इन द फर्म. बट ये गुडविल दोनों पार्टनर्स का है, उनकी मेहनत का पैसा, तो उनको हम लोग पहले दे देंगे. तो क्या लिखोगे यहाँ पे? देखो गुडविल क्रेडिट हुआ था तो हम इसको यहाँ पे डेबिट करेंगे. और क्या लिखोगे? गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड. किसको देने वाले? दो पार्टनर्स को, सुजाता को और पूर्णिमा को. एंड व्हाट इज द अमाउंट? गुडविल था 40,000 का. ये गुडविल कितना लेकर आए थे? 40,000. अब इस गुडविल का हम लोग क्या करेंगे? दोनों को बांट देंगे. कैसे बांटेंगे? तो उनके कैपिटल अकाउंट पर. सो क्वेश्चन में देखो मैंने बोला था अंडरलाइन करने के लिए, कैसे लेने वाले? 50-50. सो व्हाट विल बी द अमाउंट? 20,000 एंड 20,000. क्लियर? नरेशंस बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स. ओके, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू विल डीन. देन नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा ये बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे. ये वर्किंग नोट है जिसको हम लोग ने लेजर भी बोल सकते हैं इसे. ओके, अब इसको हम लोग रिवैल्यूएशन में जो भी आपके लायबिलिटीज है, एसेट्स है, उसमें जो भी चेंजेस होंगे, उस चेंजेस को हम लोग यहाँ पर शो करते हैं ज़्यादातर. वॉट एवर चेंजेस वर देयर इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर वैल्यूज इंक्रीज हो गई, चलो मान लेते हैं एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, सो इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. वैल्यू का एसेट वैल्यू डिक्रीज हो गया, सो इट विल बी ऑन द डेबिट साइड. सेम थिंग इफ लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, आपका नुकसान हुआ ना डेबिट साइड, एंड लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग ऑन द क्रेडिट साइड. तो मैं यहाँ पे समझाने के थोड़ा सा मैंशन कर देता हूँ. यहाँ पे एसेट्स क्या होंगी? डिक्रीज होगी और लायबिलिटीज इंक्रीज होगी. यहां पे एसेट्स इंक्रीज होगी और लायबिलिटीज डिक्रीज होगी. सो लायबिलिटीज जब भी डिक्रीज होगी तो आपके लिए फायदा है, फर्म के लिए. याद रखिए, लायबिलिटीज डिक्रीज होगी. मुझे 1.5 लाख रुपए देना था, बट अब मुझे सिर्फ देना है 1 लाख, दैट मीन 50,000 मेरा फायदा हो गया. फायदा हो गया तो डेबिट साइड और सॉरी क्रेडिट साइड. ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट. देखो अब जो एडजस्टमेंट है उसको ध्यान से देखो. थर्ड वाला एडजस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं अपने पास? तो मैंने चलो बैलेंस शीट भी ड्रॉ कर ली. ये ओपनिंग बैलेंस शीट है. डेटर्स कितना अमाउंट है डेटर्स का? 26,000. ओके, सो कितने मिलने चाहिए डेटर्स का अमाउंट? What is the answer? Tell me. 2,000.
610% इजी कैलकुलेशन। अब क्या हुआ तुम्हारे यहाँ पे, नुकसान हुआ है, एसेट्स इज डिक्रीजिंग, तो व्हेनेवर एसेट इज डिक्रीजिंग दैट मींस आपको रिवैल्यूएशन में कहाँ शो करना है, डेबिट साइड में टू आरडीडी ऑन डेटर्स 2600, क्लियर। देन व्हाट इज नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 80,000, सो लैंड एंड बिल्डिंग वॉज ऑफ 60,000, में देखोगे कितना है 60,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है और उसकी वैल्यू कितनी हो गई अभी 80,000। सो क्या हुआ ऐसा यहाँ पे, इंक्रीज इंक्रीज हुआ, तो सब लोग कहेंगे एप्रिसिएशन बाय हाउ मच, 20,000। अब एप्रिशिएट हुआ है वैल्यू यहाँ पे, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में क्रेडिट में, क्रेडिट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा एप्रिशिएट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में टू एप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 रुपीज। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, स्टॉक इज रिड्यूस बाय 20%, सो हाउ मच इज स्टॉक, 40,000, स्टॉक 40,000 का था। अब क्या बोला, स्टॉक कितने रिड्यूस हो गया, मतलब लेस हो गया स्टॉक, कितने का था लॉक्स पहले 20 का था, अभी सॉरी पहले 40 का था, अभी कितने का हो गया 20% कम हो गया, सो 20% लेस करोगे दैट विल बी 8,000, ओके सो दिस विल बी 32,000। तो क्या हुआ, एसेट वापस डिक्रीज हो गई, एसेट डिक्रीज हुई तो कहाँ शो करोगे, डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक दैट इज 8,000 रुपीज। नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस इज गिवन हाउ मच, 60,000 एज पर योर बैलेंस शीट, एंड व्हाट दे आर सेइंग इट इज आल्सो रिड्यूस्ड बाय 20%, सो 20% विल बी हाउ मच 3,000, दिस विल बी 57,000 टोटल अमाउंट, है ना। अब ये 3,000 का हम लोग कहाँ शो करेंगे, नुकसान हो गया वापस टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 3,000। देन लास्ट वन इज प्लांट एंड मशीनरी 70,000, 70,000 का भी लेस होगा 20%, दैट इज 14,000 ना, क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग दो बार हो गया। अच्छा ठीक है, इसको हटा, इसका डेप्रिसिएशन नहीं लिखा था, डेप्रिसिएशन था 80,000, ओके सो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी था 14,000, सो बैलेंस विल बी 56,000। अब यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ है, सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 14,000, क्लियर। अब लास्ट में क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड हाउ मच 80,000, बट क्लास यहाँ पे आप लोग रुक जाना, कैश को मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एसेट्स में कैश लिख रहा हूँ इन इनर कॉलम 80,000, ओके। वाई वी आर राइटिंग इन इनर कॉलम, बिकॉज यहाँ पे देखो कैश लेकर आइए, यहाँ पे डेबिट बैलेंस हुआ है 40 and 1 lakh, तो इस कैश का तो 40,000 का यहाँ पे चला गया, बचा कौन सा 1 lakh, सो 80 plus 1 lakh कितना अमाउंट आता है 1,80,000, एंड 40,000 में हमें लेना पड़ेगा ना, क्या कर रहा मैं, ये हो गया तुम्हारा गुडविल का टोटल अमाउंट, विल बी हाउ मच 2,20,000 का कैश है। इसके लिए आप कैश के लिए अलग से लेजर भी ओपन कर सकते हैं, मैं हमेशा लेजर ओपन करके सम करता हूँ, तो वहाँ पे वो खिचड़ी नहीं होती, ओके। कम टू द बैलेंस शीट, राइट, कैपिटल नेम ऑफ ऑल थ्री पार्टनर्स सुजाता पूर्णिमा एंड अपर्णा, ओके। अपर्णा कितना कैपिटल लेकर आई है 1 lakh, तो मैंने उसको पहले यहाँ पे लिख दिया 1 lakh, ठीक है, डन। अब काम करते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, तो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ डेबिट साइड, कितना है टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 24,600, कैलकुलेट नहीं कर रहे आप लोग, एंड हियर इट इज हाउ मच 20,000, सो 20,000 माइनस 24,600 विल बी 4,600, ये हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है
क्या नाम है दोनों पार्टनर्स का? सुजाता एंड पूर्णिमा. सुजाता पूर्णिमा 4600 को इक्वली डिवाइड करोगे 2300 2300. क्लियर? डन. तो ये चीज हमने इसीलिए की है सो दैट हम लोग यहाँ पे जनरल एंट्रीज बना सकते हैं. ओके तो जनरल एंट्रीज के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है. कौन सा टेबल बनाया मैंने? रिवैल्यूएशन. सो क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल दिस थिंग. फर्स्ट को लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कौन कौन सा खर्चा हुआ आपका? आरटीडी. देन ये कर लिया. देन बोलो डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक. देन डेप्रिसिएशन ऑन ओके. सो रिवैल्यूएशन का टोटल देखो कितना है 24,600. एंड हाउ वी आर सफरिंग दिस लॉस? बिकॉज इनका डेप्रिशिएट हुआ है. सो सबका इंडिविजुअली अमाउंट लिखोगे 2,600, 8,000, 8,000 and 14,000. क्लियर? नरेशन जो आप लोगों ने काम किया है बीइंग एसेट्स डेप्रिशिएटेड. नाउ सेम थिंग देखो हमने डेबिट साइड का लिख लिया था अब क्रेडिट का लिखना पड़ेगा. सो हाउ विल राइट? एप्रिसिएशन हो रहा है सेम तारीख को. किसके ऊपर एप्रिसिएशन हो रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग. सो एप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. ओके टू कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन. सो लैंड एंड बिल्डिंग इज हाउ मच? 20,000. और यहां पर भी 20,000. क्लियर? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लास्ट का ये वाला एडजस्टमेंट. देखो ये सारे टिक तो कर लिए ना मैं. ये बचा हुआ है पार्टनर्स को क्या हुआ? लॉस हुआ है. सो लॉस इज ऑलवेज डेबिट. तो दोनों पार्टनर्स का नाम सुजाता पूर्णिमा. तो सुजाता कैपिटल और कौन है दूसरी? पूर्णिमा कैपिटल. और कितना लॉस हुआ है? 2,300 2,300. और टोटल कहाँ से जाएगा? टू रिवैल्यूएशन. टोटल अमाउंट इज 4,600. तो यहाँ पे आपका जर्नल एंट्रीज खत्म हो गया. इतना ही एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछा गया था वहाँ पे इतना ही पूछा गया था कि ड्रॉ दी जर्नल एंट्रीज. और जब तक इसको एक ध्यान से सुनो जब हम इसे कर भी रहे हैं को इफ यू डोंट वॉन्ट टू गो फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना काम बढ़ जाएगा आपका. तो आपको देखना है कि यहाँ पर रिवैल्यूएशन जब हम लोग डेबिट कर रहे हैं तो यहाँ पे सारे जो भी एसेट्स डिक्रीज होंगे और लायबिलिटी इंक्रीज होंगे वो यहाँ पे डेबिट होगा. लेकिन आपको पहले एडजस्टमेंट्स पढ़नी पड़ेगी. और यहां पर क्या होगा रिवैल्यूएशन के लिए? ऑल एसेट्स जो इंक्रीज हुई है और लायबिलिटीज डिक्रीज हुई है. ओके और फिर यहां पे देखो रिवैल्यूएशन कितना है? डेबिट इज 24,600 वेयर इज रिवैल्यूएशन क्रेडिट इज हाउ मच? 60,000. सो डेबिट बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट बैलेंस कम है. तो व्हेनेवर डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट इट इज ऑलवेज लॉस. यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है. देखो 24,600 है 20,000 ने इधर किधर ही माइनस कर दो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा. वो टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्लियर? अब आते हैं आपके बैलेंस शीट की तरफ. सो बैलेंस शीट में नाउ वी आर सपोज टू सी द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स. चलो फटाफट यहाँ पे कुछ बचा हुआ था क्या अपने पास लायबिलिटीज में? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बचा हुआ है ना सब में देखो. उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं थी ना? नहीं. सो क्रेडिटर्स 34,000 एंड बिल्स पेबल कितना पे करना था? 26,000. ओके अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है तो इसके जो आंसर से वो आने में थोड़ी सी तकलीफ होगी. ओके तो पहले एसेट का टोटल करके बताओ कितना आता है? डेटर्स इज हाउ मच? 23,400. बाकी का एसेट का टोटल बताओ मुझे कितना?
4,11,400 नहीं चेक करो वापस सो वही आ रहा है 23,400, 2,20,000, then 56,000, then 80,000, then 32. फर्नीचर काम वगैरह नहीं लिया गया, फर्नीचर को एडजस्टमेंट था ना, ओके फर्नीचर बचा हुआ, फर्नीचर इज 24,000, नॉट टेल मी द अमाउंट, फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, 13,800 ये सही बुक के साथ मैच होगा। ओके, अब यहां पे ये जो पार्टनर्स का कैपिटल है ये हमें कैलकुलेट करना है, ये रह गया है ना। अब तो मैं एग्जाम में कितना भी बोले जर्नल करो और न्यू बैलेंस शीट बनाओ, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग रिवैल्यूएशन भी बनाओगे, कैश अकाउंट भी बनाओगे और कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, अदरवाइज तुम्हारा सम पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जर्नल के लिए यू कैन डू, बट अगर बैलेंस शीट बनानी है तो तुम्हें कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी है। सो लेट अस सी कैपिटल अकाउंट क्या है। ओके, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब तुम पढ़ रहे हो। तो अब मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पे, दोनों पार्टी तीनों पार्टनर्स को देखिए, ध्यान से देखना क्लास। कौन कौन से पार्टनर्स है यहाँ पे, एक सुजाता है, दूसरी पूर्णिमा है और तीसरी पार्टनर कौन है, अपर्णा। वापस पर्टिकुलर्स, सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जो ओल्ड बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दी रहेगी, लायबिलिटी साइड में देखो वहां पे कैपिटल दिया है, तो आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट। So, दोनों जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका कैपिटल लेकर आए हैं, बोलो कितना कैपिटल लेकर आए, 1,40,000। ओके, ध्यान से देखना, और कुछ तो काम किया नहीं इन्होंने, लेकिन जो गुडविल था उसको लिया ना, कितना गुडविल लिया, गुडविल को दोनों ने बांट के ले लिया था, कितना लिया था, 20-20 बांट के लिया था दोनों ने। सो यहाँ पे आप लिखोगे 20,000 and 20,000। फिर जो न्यू पार्टनर है उसने क्या लाया था, कैपिटल लाई थी ना वो अपना, किस फॉर्म में लेकर आई थी, कैश फॉर्म में, कितना लेकर आई थी, 1,00,000। और यहाँ पे देखो दोनों पार्टनर्स को क्या हुआ है, लॉस हुआ है ना। सो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना लॉस हुआ है दोनों को, 2,300। अभी से बैलेंस करो, सो अपर्णा के लिए तो कोई किस्सा ही नहीं अपने पास है ना, तो क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन, 1,00,000 अपर्णा का हो गया। अब गो फॉर दिस, 1,60,000, 1,60,000 का इसका कैपिटल का वैल्यू था, बट इसमें से तो नुकसान हो गया 2,300। टेल मी द आंसर क्विकली,1,20,000 में से कितने का नुकसान हो गया, 2,300 का नुकसान हो गया, तो कितना होता है, 1,17,700। दिस अमाउंट जो कैरी फॉरवर्ड होती है कहां पर, कैपिटल, और इन दोनों का कैपिटल हम लोग लिख देंगे 1,17,700 and 1,57,700। टेल मी द टोटल अमाउंट, 3,75,400, एंड देन एडेड अप आपका सेम आंसर आएगा कितना, 4,00,000 4,35,400। ओके, चलो वापस देख लो।